आंखों के नीचे, आंखों के ऊपर अगर डार्क सर्कल होता है तो हमको खुद को आईने में देखने को मन नहीं करता है। लेकिन कभी जानने की कोशिश की वजह कि आखिर ये डार्क सर्कल आ क्यों रहे? एक तो स्ट्रेस लेवल जब बहुत बढ़ जाता है, दूसरा गुस्सा जिनको बहुत होता है एंगर, एंड तीसरा एंग्जाइटी। व्हेन योर स्ट्रेस, योर एंगर एंड योर एंग्जाइटी इंक्रीजेस, इमीडिएट डार्क सर्कल शुरू हो जाएंगे। दूसरा स्वभाव होता है कई लोगों का, बार 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 आंख निचोड़ते रहेंगे। मेक श्योर यहाँ पे सबसे सेंसिटिव स्किन आपके पूरे शरीर में है, सिर्फ आंखों के नीचे, हम उसी को बार बार रगड़े जाते हैं। तो दूसरा, हमको आंखों को रगड़ना बंद करना है। तीसरा, अगर लंबे समय तक ऑसिपिटल एरिया में, दैट इज अंडर आईज के पास या और यहाँ पे, ये टोटल अगर इस हिस्से में साइनस का प्रॉब्लम चालू ही रहा, नेजल कंजेशन 24 आवर्स रहा कंटिन्यूअसली आपको चालू है महीनों तक, अगर आप उसको ट्रीट नहीं कराते, आंखों का ईएनटी इज रिलेटेड विद ईच अदर। तो अगर ये कंजेशन कंटिन्यू रहा, जो आंखों का मैल नाक में से ही निकल जाना था वो वहीं का वहीं आके रुक गया, क्या हो रहा है? डार्क हो रहा है। ये एरिया को वार्निंग साइन दे रही है कि तुमको कोई ना कोई बीमारी अंदर जरूर है, ईएनटी की कोई प्रॉब्लम है। इसलिए क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे कंजेशन ना। चौथा, 6 इंच की जुबान। इतना नमकीन खाना खाएंगे कि पूछो मत, सॉल्टी फूड, टू मच ऑफ सॉल्टी फूड, और फिर टॉक्सिन्स वाले ड्रिंक तो लेते गए, कैफीन, निकोटाइन, पेस्टिसाइड, जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे, जितना ज्यादा नमक और जितनी ज्यादा ये तीन जहर, उतना ज्यादा आंखों के नीचे डार्क सर्कल। दूसरे इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स, अल्कोहल, सिगरेट, ये तो देगा ही देगा, तो इसको अवॉइड करो। अब पांचवी, अगर नींद अच्छी नहीं रही, रात में हम क्या करते हैं, लेट नाइट तक जागते हैं, बहुत लेट नाइट तक, 12, 1, 2 बजते हैं, तब जाके नेट ऑफ करते हैं और फिर सोते हैं। बोलते हैं नींद नहीं आती, नेट ऑफ करोगे तो नींद आएगी ना, लेकिन हम नेट ऑफ नहीं करना चाहते, और कुछ नया, 24 घंटे उसमें नया ही है, पुराना तो शायद ही कोई पलट के देखता है। स्क्रीन, आप जब रात में अंधेरे में स्क्रीन को लेते लेते, क्योंकि बाजू वाले को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, रात में चादर में, ब्लैंकेट में स्क्रीन चालू रहता है या फिर ऐसे साइड हो जाइए ताकि उसको तकलीफ ना हो, और फिर स्क्रीन चालू है, अंधेरे में आप स्क्रीन को देख रहे हो, तो स्क्रीन तो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है। अगर 24 घंटे में से अगर आप 8 घंटे भी अगर स्क्रीन देख लेते हो, इमीडिएट डार्क सर्कल आपको शुरू हो जाते हैं। एंड फिर मल्टी वाइटामिन न्यूट्रिएंट्स में अगर वाइटामिन ई की कमी हो गई शरीर में, तो फिर आपके डार्क सर्कल जरूर आएंगे। हरड़े देखा है, पंजाब में उगते हैं, सबसे ज्यादा हरड़े उगते हैं पंजाब में। हरडे, कैस्टर ऑयल एंड एलोवेरा, ये तीन रामबाण है। हरडे इज द किंग ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, हरडे जो है बादशाह है, आयुर्वेद का बादशाह है। हरडे, कैस्टर ऑयल एंड एलोवेरा, ये तीनों के अंदर सेम प्रॉपर्टी एक मिलेगी, एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको पूरा करता है आपका हरडे। दूसरा, कैस्टर ऑयल, इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ डार्क सर्कल, एंटी डार्क सर्कल प्रॉपर्टी, जो डार्क सर्कल हो गए हैं उसको रिवर्स। और जब आप कैस्टर ऑयल को जब यहां पे लगाते हो तो बहुत ही गहराई में इट पेनिट्रेट्स डीप इनटू योर रूट्स, अंदर गहराई तक जाके उसको पूरा क्लिंजिंग का काम करता है। इट हैज अ कूलिंग प्रॉपर्टी, इट डजंट हैव हीटिंग प्रॉपर्टी। आंखों को क्या चाहिए, ठंडक चाहिए, कैस्टर ऑयल। एंड तीसरा है एलोवेरा, जिसके अंदर है विटामिन ई, जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, झुर्रियां हो गई, काला हो गया, ये इटसेल्फ आपको पहले से इंडिकेट कर रहा है डार्क सर्कल कि आपकी एज दिक्कत आ रही है। तो बहुत सिंपल, 1 टीस्पून ऑफ कैस्टर ऑयल, सिर्फ 1 छोटी चाय की चम्मच कैस्टर ऑयल, आधी चम्मच हमको लेना है एलोवेरा,
और साथ में 1/4 चम्मच उसका पाउडर मिलेगा, हरड़े का पाउडर भी मिलता है, नहीं मिला तो हरड़े को थोड़ा सा घीस देना, आधी 1/4 चम्मच 1/4 टीस्पून हरड़े को, हरड़े के पेस्ट को, या फिर 2 पिंच आप जो है 1/4 टीस्पून जो है आप अपना हरड़े का पाउडर लेना, मेक अ पेस्ट सुबह स्नान करने से पहले, डार्क सर्कल जहां पे किससे लगाना है, मन की उंगली से। आप तिलक करते हो किससे करते हो, मन की उंगली से। छोटे बच्चे को काजल लगाते हो किससे लगाते हो, मन की उंगली से। क्यों आपने क्यों इंडेक्स फिंगर से नहीं लगाई, सेंटर फिंगर भी यूज नहीं की, लिटिल फिंगर भी यूज नहीं की, थंब भी यूज नहीं किया, आपने रिंग फिंगर ही क्यों यूज की, क्योंकि ये सभी उंगलियों में सिर्फ आपकी जो है रिंग फिंगर, देखो टच करो, प्रेस करो, प्रेस करो, देखो कितनी ताकत लग रही है, इतनी ताकत से सेंसिटिव जगह पे हम उंगली नहीं लगा सकते, सेंटर फिंगर से लगाओ देखो और ज्यादा ताकत लगेगी, अभी रिंग फिंगर लगाओ, लगाओ रिंग फिंगर, देखो कितनी हल्की है, कितना इजी जा रहा है, लॉजिक है, इज देयर अ लॉजिक कि हम काजल भी इसी आंख से इसी उंगली से लगाते हैं, इंडेक्स फिंगर से कभी नहीं लगे। तो जब आप ये पेस्ट बना लो तो सीधा डार्क सर्कल को किससे लगानी है, रिंग, रिंग फिंगर से आराम से लगाना है, रिंग फिंगर से कूली तक, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। दिस इज ट्रिपल वार्म, जब हम इसको पीछे की तरफ में एंटी, क्योंकि स्ट्रेस बहुत आया है तो उसको हमको रिवर्स ले जाना है, तो पीछे की तरफ में इसको घुमाना है, तीनों उंगलियों को क्या करना है, पीछे की तरफ में लेके ट्रिपल वार्मर पॉइंट पे घुमाना है। यहाँ से क्या हो गया, हमारा स्ट्रेस लेवल रिलीज हो गया, टेंशन डिप्रेशन ये बहुत आता है बार बार, तो हमने क्या किया, थर्ड आई चक्र जहाँ पे हमने अपनी मन की उंगली को लगाया, गोल घुमाया ताकि टेंशन एंड डिप्रेशन भी रिलीज हो जाए। उसके बाद सेंटर फिंगर क्यों पकड़ी, इट्स अ फिंगर ऑफ एंगर, इट इज अ फिंगर ऑफ एंगर। उसके बाद एंजाइटी पॉइंट, कि एंजाइटी की वजह से जो आपके डार्क सर्कल्स हो रहे हैं ये भी खत्म, तो ना स्ट्रेस रहा, ना हमको एंगर रहा, ना हमको एंजाइटी रही। टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, स्क्रीन कम से कम देखना है, साथ में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेनी है,